इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। चैनल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूं। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उनमें से मैक्सिमम वीडियोस मेरे सब्सक्राइबर डिमांड पे ही मैंने बनाए हुए हैं। मैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है और जो भी शेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी मैपिंग एज पर कैटेगरी कर देता हूँ। इससे आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको शेयर ढूंढने में आसानी होती है। अब मेरे चैनल की USP ये है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूँ। इससे आपका जो प्रॉफिट है वो 80% होता है और आपका जो लॉस है वो 10-20% होता है, यानी कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। बट मैं अपने चैनल में किसी को भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। बहुत कम मैं एक्साइटमेंट में बोल देता हूँ बाय करो या सेल करो, टच वुड 100 out of 100% ठीक हुआ है। अब बात करते हैं मेरे चैनल की दूसरी बड़ी USP, वो है कि मैं हर संडेज को मंथली प्रीव्यूज़ बनाता हूँ, यानी कि पिछले महीने मैंने जो भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाया है उसका इस महीने मैं आपको फिर से अपडेट देता हूँ कि उसके इस बार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और अगर आप मेरे प्रीव्यूज़ के वीडियो पूरा देखेंगे वहाँ पर आप एक बात क्लियर हो जाएंगे जो मैं आपको अपने पहले वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि 80% ऑफ शेयर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमते हैं। सिर्फ 10% ऐसे शेयर है जो रेजिस्टेंस तोड़ के बहुत ऊपर जाते हैं या सपोर्ट तोड़ के बहुत नीचे आते हैं। अगर आप प्रीव्यूज के वीडियो देखेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, प्रॉफिट बुक करो, इतने सारे शेयर है सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे घूमते रहते हैं। आपको अच्छा चीज़ ये मिलता है कि आप सपोर्ट में आने तक का वेट कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले EPL शेयर के बारे में, RBL बैंक के बारे में और जस्ट डायल के बारे में। आज का डेट 4 अप्रैल 2021। अभी बात करते हैं EPL के बारे में, EPL कंपनी क्या करती है, ये सारा के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका 52 week low 52 week high सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। EPL का मैंने वीडियो बनाया था 1 मार्च 2021, तब इसकी क्लोजिंग थी 220 rupees 70 paise। अब बात करें उस टाइम मैंने आपको सपोर्ट दिया था 200 rupees, दूसरा सपोर्ट था 210, सपोर्ट 3 था 220, रेजिस्टेंस 1 था 230, रेजिस्टेंस 2 है 250 और रेजिस्टेंस 3 है 270। बट अगर आप देखेंगे आज का डेट है 4 अप्रैल 2021 और इसका जो हाईएस्ट इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी 235 rupees 15 paise। आज के डेट में इसका मैं आप लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ 207 rupees, सपोर्ट 2 है 220, सपोर्ट 3 240 है और रेजिस्टेंस 1 अगेन 240 है, रेजिस्टेंस 2 250 है, रेजिस्टेंस 3 270 है। याद रखना मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक साथ होगा वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन पे बहुत स्पीड से जा सकता है। अब अगर आपके इसके एक महीने का हाई देखेंगे तो कितना है ये 243.85 और लोएस्ट कितना है 207, यानी कि सपोर्ट 2 के पास आया था। आप अगर सपोर्ट 2 पे बाई करते तो आप रेजिस्टेंस 1 पे आप भूल जाओ 243, आप सोचो रेजिस्टेंस 1 पे भी छोड़ते तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे शेयर के बारे में जिसका नाम है RBL बैंक। RBL का बैंक क्या करती है, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका 52 week low 52 week high सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। अब बात करते हैं RBL बैंक का, मैंने वीडियो बनाया था 2 मार्च 2021, तब इसकी क्लोजिंग थी 236 rupees 75 paise। अभी 2 तारीख को मैंने जो 2 मार्च को इसका आपको सपोर्ट दिया था 200 का, सपोर्ट 2 था 209 का, सपोर्ट 3 था 230 का, रेजिस्टेंस 1 था 256 का, रेजिस्टेंस 2 275 और रेजिस्टेंस 3 था 300 का। अगर आप लोग देखेंगे 4 अप्रैल 2021 इसकी जो क्लोजिंग हुई वो हुई 216 rupees 20 paise। अभी के टाइम पे इसका जो सपोर्ट है वो दे रहा हूँ मैं आपको 197, सपोर्ट 2 है 209, सपोर्ट 3 है 215, रेजिस्टेंस 1 है 215, रेजिस्टेंस 2 है 230 और रेजिस्टेंस 3 है 256। अभी अगर आप देखेंगे जिन लोगों ने मेरी बात मान के रेजिस्टेंस 1 मैंने आप लोगों को दिया था 256, अगर 256 में सेल किया रहता उनके पास ऑप्शन था 230 रुपये पे बाई, 230 तक आया। और मैं ये नहीं बोलता कि सपोर्ट आते आप लोग बाई कर लो, सपोर्ट आ रहा है अगर नीचे आ रहा है तो आप वेट कर सकते हो, शायद वो दूसरे सपोर्ट पे भी आए। और आप अगर देखेंगे तो RBL ने अपना दूसरा सपोर्ट भी तोड़ा, 203 रुपये पे वो आया। तो इसके लिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि 100% में से 80% शेयर हैं जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही घूमते रहते हैं। आपको किसी में भी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया है तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका वेट कर सकते हैं कब सपोर्ट में आए और आप उसे तब खरीद सकते हैं।
अब बात करें तीसरे शेयर के बारे में, जस्ट डायल। जस्ट डायल कंपनी क्या करती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको ये ऊपर दिए हुए लिंक पे मिल जाएंगे। इसमें इसके 52 वीक हाई, 52 वीक लो, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। अब बात करें जस्ट डायल का, मैंने वीडियो बनाया था 3 मार्च 2021, तब इसकी क्लोजिंग थी 905 रुपीज़ 80 पैसे। उस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि शेयर इतने स्पीड से 1000 रुपये के ऊपर गया है, आई एम श्योर कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वही चीज़ हुआ। फिर भी मैंने आप लोगों को तब इसका सपोर्ट दिया था, 600 सपोर्ट 2 था, 700 सपोर्ट 3 था, 800 रेजिस्टेंस 1 था, 900 रेजिस्टेंस 2 था, 1000 रेजिस्टेंस 3 मैंने ब्लैंक छोड़ा था, क्योंकि आप लोग अगर मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं नाम के लिए वहाँ पे फिगर नहीं डालता हूँ। अब अगर बात करें, आज का डेट है 4 अप्रैल 2021, इसकी जो क्लोजिंग हुई 902.90 कहाँ पे है, ये ऑलमोस्ट वही प्राइस में जो एक महीने पहले था। अब बात करें आज के डेट में, इसका सपोर्ट है 700 रुपीज़, सपोर्ट 2 है 800 रुपीज़, सपोर्ट 3 है 900 रुपीज़, रेजिस्टेंस 1 भी 900 रुपीज़ है, रेजिस्टेंस 2 अगेन 1000 दे रहा हूँ, और रेजिस्टेंस 3 मैं फिर से ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अगर आप इसके एक महीने का हाई देखेंगे कितने पे है, ये 1026 पे है, और लो कितने में है, 783 पे, यानी कि ये अपना सपोर्ट 3, 783 यानी कि सपोर्ट 3 टच किया, 1026 902 के बाद ये 1000 पे भी गया, रेजिस्टेंस मैंने लोगों को दिया था 1000, वो 1026 पे भी गया। लोगों को मैंने एक चीज़ पहले बताई है, रेजिस्टेंस में भी अगर ऊपर गया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि रेजिस्टेंस पे आते ही सेल आप कर दो, रेजिस्टेंस से ऊपर है तो ठीक है, बट अगर रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर रहे आप सेल करके निकल सकते हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ये शेयर जस्ट डायल पहली बार लिया होता, जब वो 800 रुपये का मैंने आप लोगों को सपोर्ट दिया था, आप देखिए वो 783 गया, 1026 उसका हाईएस्ट है। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अपने स्टार्टिंग वीडियो से कि शेयर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे या नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आप ये 800 रुपये में आता, 800 रुपये में बाई करते, तो आज आपके पास ऑप्शन है कि 900 रुपये में आप सेल कर सकते हैं। सिवाय उसके जब मैंने वीडियो बनाया था 905 पे था और 1000 का रेजिस्टेंस दिया था, और लोगों ने 1000 पे भी बाई किया रहेगा। ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरी है। मैं किसी भी, आपने मेरे इतने सारे वीडियो अगर देखे होंगे, आप कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, 10 वीडियो में से 8 वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, और अगर आप मेरी वीडियो पूरा देखेंगे तो आप ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएंगे, और डेफिनेटली आप भी 80% ट्रेड में प्रॉफिट लेंगे, 20% लॉस भी हुआ तो ओवरऑल आप प्रॉफिट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उसी तरह आप भी मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड्स में, जो लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि उन तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।